सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दोस्तों आज का हमारा एक न्यू व्लॉग होने वाला है। आप लोग को थंबनेल देख के आपको पता लग चुका है हमारी न्यू जॉब। तो अगर हमारी जो न्यू जॉब है तो वो है खेत के अंदर है। तो खेत के अंदर जो मतलब जब बीज पेरते ना तो उसके बाद वो मारते दवा। तो मैं उसके काम पर जा रहा हूँ, वो जॉब कर रहा हूँ। तो चलो फटाफट जल्दी जाएंगे खेत में और डायरेक्ट आपको खेत में मिलेंगे। वहाँ जाता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि वहाँ कैसी दवा मारते हैं, क्या करते हैं। वो एक पंप है, पंप से दवा मारते हैं। तो ठीक है गाइस, व्लॉग कंटिन्यू करते रहो। जो किसी ने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइस आगे के रास्ते, व्लॉग कंटिन्यू करते रहो। सो हे गाइस, हम निकल चुके हैं घर से और हमने हमारा टिफिन ले लिए और चलो जल्दी जाएंगे। तो डायरेक्ट आपको खेत में मिलेंगे, नहीं तो फिर वो फारूक मामू आएंगे तो आपको मैं उनसे इंटरव्यूज कराऊंगा, नहीं तो डायरेक्ट आपको खेत में मिलेंगे। ठीक है, दम बहुत आ रहा है यार। तो चलो व्लॉग कंटिन्यू करते रहो, मिलते हैं आपको आगे के रास्ते में। हाँ मेरी जान। Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. गाइस यहाँ पे हम ढाबे पे बैठ के कब से फारूक मामू का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। तो उन्हें बहुत टाइम लग रहा है, हम यहाँ बैठे हैं ढाबे पर। वो आएंगे और फिर हम खेत में जाएंगे। ठीक है, आप व्लॉग कंटिन्यू करते रहो। हाँ मेरी जान। तो गाइस ये आ चुके हैं फारूक मामू, अब हम इनकी गाड़ी बैठेंगे और सीधा डायरेक्ट आपको खेत में मिलेंगे। No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. गाइस अभी हम रुके पेट्रोल भरवाने के लिए और मामा की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, फारूक मामू की, तो वो देख सकते हैं आप। उसके अंदर पेट्रोल भरवा रहे हैं और निकलते हैं। तो हम लोग काफी टाइम हो गया है, चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते रहो, मिलते हैं आपको। हाँ मेरी जान। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं खेत में और ये हमारे मामू फारूक मामू और जो ये है पंप। तो पंप को जल्द आपको दिखाते हैं, उसका सेटअप कैसा करते हैं, पूरा उसको रेडी कैसा करते हैं। तो ठीक है, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, आपको दिखाता हूं मैं। गाइस जो ये पंप है ना, तो पहले नली यहां से लगाई जाती है उसकी, ये वाली। तो गाइस पूरा सेटअप तैयार हो चुका है और अभी इसके अंदर डालेंगे हम दवा। तो आप देख सकते हैं न्यू पंप एकदम, और इसके अंदर से ना पानी डालते तो छन के जाता पूरा। दो छन्ने इसके अंदर, एक इधर का, हाँ ये ऐसे दो, एक ये है और एक ये है। तो आप देख सकते, ये पंप के अंदर 5 से 20 लीटर पानी मारता है। और ये इसकी एक्सीलेटर है और ये ऑन ऑफ का बटन है, ये एक्सीलेटर इसका। और ये पेट्रोल की टंकी है और ये इसका चौक है और ये इसकी कीक है। तो गाइस अभी बन रही है इनकी दवा। दवा बन जाएंगी और इसके अंदर डालेंगे ये बकेट पानी की। अलग ने बोला है दवा का लाके दो बोले तो। कहीं हमारा सामान पड़ा हुआ है। हां हो गया ना, इसको 1.5 घंटा। तो गाइज आप देख सकते हैं पूरा शुरू हो गया दवा मारना। तो ठीक है गाइज, आपने देख लिया दवा कैसे मारते हैं और अभी जा रहे हैं मामू दवा मारते हुए। ठीक है, तो गाइज अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दो। खेत अभी पेरा हुआ है, जस्ट अभी पेरे लोग ने और अंदर पूरे पैर दब जा रहे यार। तो ठीक है यार, ब्लॉग कंटिन्यू करते रहो, मिलते हैं आपको अभी। तो गाइस अभी है ना फारूक मामू यहाँ से गए ऐसा और उधर से ऐसा है। तो यहाँ आया तक उनका पूरा पंप खत्म हो जाता, फिर बाद में हमको दूसरा उनको रेडी करके देना पड़ता। तो गाइस इनका दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, मतलब पहले ना वहाँ से इधर आए थे, अब यहाँ से ऐसा जाएंगे तो ये इधर आएंगे। तो गाइस अभी हम छाव में आके बैठे हुए हैं, झाड़ के नीचे, दरख्त के नीचे बैठे हैं। उधर मामू का काम चालू है
तो यहाँ पे है ना सिर्फ एक ही आदमी लग रहा था, एक आदमी इधर ही था खेत वालों का, तो इसलिए मेरी ज़रूरत नहीं थी, तो दूसरे खेत में मेरी ज़रूरत रहेंगी। तो हम दो आदमी रहेंगे वहाँ पे, फारूक मामू रहेंगे, मतलब हम तीन लोग रहेंगे वहाँ पे काम करने के लिए। यहाँ अभी तीन ही है लेकिन एक खेत वाले का आदमी है, तो इसलिए मेरे को बैठा दिए, मतलब मेरे को डिक्लेयर कर दिए। मन आप देख सकते हैं पंछियों की बहुत मस्त आवाज़ आ रही है यहाँ पर, और ठंडा ठंडा मौसम, व्यू एक नंबर लग रहा है यहाँ पे, क्या बोलता है बनता है, बहुत ही गजब का। तो ठीक है गाइस, व्लॉग कंटिन्यू तो कर ही रहे आप और आगे कंटिन्यू करते रहो। तो मैं आपसे बहुत बार बोल रहा हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा मैं, क्योंकि जो मेरा माइक है और ट्राईपॉड है मैंने लेके नहीं आया, बस ऐसे अचानक ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया घर से ही, आप लोग देख रहे होंगे, और वॉइस भी मेरी क्लियर नहीं आ रही क्योंकि माइक घर पे है, ट्राईपॉड घर पे है, हाथ से शूट कर रहा है बस मैं मोबाइल से। तो ठीक है, आपको यहाँ का खेत का व्यू दिखाता और तो वही, तो गाइस खेत पूरा कंप्लीट हो चुका है, दवा मारना पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस खाली एक बुदली का बचा है, और मामा भी इधर आ गए, अभी सिर्फ उत्ता बचा भाई, जो काटी है ना ये वाली भाई, ये वाली काटी तक गए, फिर फिनिश हो गया, फिर दूसरे खेत में जाएंगे हम। ठीक है, तो मामा आ रहे हैं सना नना करके, और ये भी वही उसका ये पम्प, वो पम्प का। तो गाइस अभी हम चलकर इधर आए हैं पानी भरने के लिए, ये इधर कुआं है और मामा ने बोले कि इसके अंदर पानी लेके आने का, तो कुआं कितना खोल है वो भाई साहब, तो इतना कुआं खोल है, और ये रस्सी डालेंगे क्योंकि मेरे को शूट करने वाला ना, क्योंकि अकेला मुझे पानी निकालना पड़ेगा, और ये दो बुदला भरना पड़ेगा, एक वो और एक ये। ठीक है, तो फटाफट पानी भरते हैं, मामा को लेके जाते हैं। तो गाइस एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग बैठे थे पेड़ के पास और हमारे टिफिन विफिन सब उधर थे, तो कुत्ते ने ना हमारा टिफिन खींच के यहाँ तक लेके आ गया। साला बदमाश, बहुत भगाया यार कुत्ते ने बहुत। चलो मिल गया, और वो कुत्ता चले गया उधर। तो गाइस बहुत भागते हुए आना पड़ा, और खेतों के अंदर तो पैर ऐसे अंदर जा रहे जैसे आपो आप जमीन अंदर ले ले रही। हाँ भाई साहब, यार व्लॉग अच्छा लग रहा प्लीज लाइक कर दो। फाइनल डब्बा मिल चुका है हमारा टिफिन, मैं तो क्या खाते थे फिर, एक्चुअली मेरा डब्बा नहीं है ये, हमारे रहीम भाई का डब्बा। तो ठीक है, व्लॉग कंटिन्यू करते रहो, मिलता है आपको। तो फाइनली गाइस पूरे खेत का, पूरे खेत को दवा मारना हो चुकी है, पूरा फिनिश कर दिया हमारे मामा ने काम। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे दूसरे खेत में, और वो अभी इसका पानी डाल के उसकी दवा निकाल रहे हैं, और अभी हम जाएंगे दूसरे खेत में, तो वहाँ हम काम स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ का थोड़ा सीन दिखाऊँ मैं आपको, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है मेरे ख्याल से। तो ठीक है, कंटिन्यू करते रहो, पीछे खड़े हैं राजा भाई और रहीम भाई, हो मिलते हैं आपको। तो गाइस फाइनली हमारा दूसरा खेत का भी काम पूरा हो चुका है, और अभी हम जा रहे हैं घर, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे पम है, और यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, और मामू बोल रहे हैं। ठीक है, व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, डायरेक्ट आपको मिलेंगे घर पर। तो फाइनली गाइस हम घर पर पहुँच चुके हैं, और मैं ना आते से सो गया था, तो मैंने सोचा चलो अब मैं नींद में सोचा, अब मैंने सोचा चलो व्लॉग को एंड कर देते। आई होप आज का आपको ब्लॉग पसंद आया, उम्मीद करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा आज का ब्लॉग हमारा। तो ठीक है गाइस, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।